मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी आईएससी क्लास 12 का एक चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का प्रॉब्लम सॉल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आप लोग को जरूर से जरूर समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। बैलेंस शीट है धर्म, अब्बास एंड विवेक, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। ये हो गया आपको ओल्ड रेशियो। बैलेंस शीट 31 मार्च 2019 का है। बैंक है आपका 40,000, डेटर 1,00,000, स्टॉक 80,000, फिक्स्ड एसेट 60,000। अच्छा, गुडविल 50,000 है, इसको हम लोग पास्ट लॉसेस के रूप में ट्रीट करेंगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्रेडिटर लायबिलिटी हो गया, जनरल रिजर्व अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये पास्ट प्रॉफिट हो गया। अब वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के लिए एडजस्टमेंट देखेंगे। तीनों पार्टनर का कैपिटल देखिए, धर्म का 40, अब्बास 62, विवेक 33। धर्म रिटायर हुआ 1 अप्रैल 2019, ये पार्टनर रिटायर होगा, तो ये दोनों अब्बास एंड विवेक बच जाएगा। गुडविल देखिए वैल्यू है 80,000, और धर्म का शेयर को अब्बास विवेक में एडजस्ट कर देना है। न्यू रेशियो 3:2 है। ठीक है, तो इसके लिए हम आपको वर्किंग दिखा देंगे। ओल्ड रेशियो 5:3:2, पहला पार्टनर रिटायर हो जाएगा। न्यू रेशियो 2:3, गुडविल का वैल्यू 80,000 है, धर्म का शेयर को अब्बास एंड विवेक में एडजस्ट करना है। ओके, फिक्स्ड एसेट का दाम कम हो गया, देखिए 57,500 हो गया, अंदर यहां देखिए आप 60,000 है, तो फिक्स्ड एसेट्स का दाम 2,500 कम गया, 60,000 है, 57,500 हो गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% डेटर पे मेंटेन करना है, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5,000 रुपया क्रिएट करना है। 1,00,000 का डेटर है, 5% प्रोविजन बढ़ाना है 5,000। ओके, क्रेडिटर था 10,000 का, जिसको 8,000 का पेमेंट देना है, तो रिवैल्यूएशन में आपका क्रेडिटर कम होगा। रिवैल्यूएशन का बात कर रहे हैं 2,000, 10,000 का क्रेडिटर तो कम हो ही जाएगा, 8,000 बैंक से पेमेंट कर देंगे और 2,000 रिवैल्यूएशन से ले आएंगे। ओके, ये देखिए क्लेम फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन इज 8,000। यहां देखिए वर्कमैन कंपेंसेशन 50,000 है, क्लेम बोलता है 8,000, तो क्लेम अगर 8,000 बोला है तो फ्री हो गया आपका 42,000। तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 50,000 था, यहां क्लेम बोला है मात्र 8,000, तो ये 42,000 फ्री रिजर्व के रूप में ट्रीट होगा। यहां एक स्पेशल पॉइंट है, अब्बास और विवेक डिसाइड किया है कि जनरल रिजर्व, एकुमुलेटेड प्रॉफिट, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है, ये बुक वैल्यू पे मेंटेन्ड होगा। न्यू फॉर्म में बुक वैल्यू पे मेंटेन्ड किया जाएगा, मतलब हुआ आप जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का 42,000, इसको आप कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करके जीरो नहीं करेंगे, बल्कि जैसे बैलेंस शीट में है वैसे आप दिखाना होगा, अपीयर करना होगा, तो उसके लिए हमको गुडविल की तरह नेट इंट्री उसका भी करना होगा। तो आपको दो वर्किंग समझना है, एक गुडविल का और एक एफ नंबर रिजर्व का। जाने वाले पार्टनर धर्म को अब्बास और विवेक पेमेंट कर देगा, पैसा लाएगा, कैपिटल को न्यू रेशियो में रखना है, और यहां तक कि 15,000 रुपया बैंक में क्लोजिंग बचना चाहिए। रिटायरिंग पार्टनर को हम लोग पेमेंट दे देंगे, अब्बास और विवेक रिमेनिंग पार्टनर पैसा लाएगा, जिससे उनका कैपिटल न्यू रेशियो में हो जाए। अब बैंक में 15,000 बचना चाहिए, आप देखो बैंक में 40,000 था, 15,000 बचाना ही है, तो आपको बैंक 25,000 का सपोर्ट देगा। बनाना क्या है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है, तो रिक्वायरमेंट ये रहा। चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। सबसे पहले आप वर्किंग समझ लो, ओल्ड रेशियो था आपका 5:3:2,
पहला पार्टनर रिटायर हो गया, न्यू रेशियो दिया हुआ है 2:3, यहां लाते हैं गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो होगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो पहला पार्टनर रिटायर हो गया तो पार्टनर के रूप में बच गया आपका अब्बास। अब्बास का न्यू रेशियो 2:5 और ये ओल्ड रेशियो 3:10। अब्बास के अलावा विवेक, विवेक का न्यू रेशियो 3:5, ओल्ड रेशियो 2:10। एलसीएम आएगा 10, 4-3 दैट इज 1:10। इसका भी एलसीएम 10, 6-2 दैट इज 4:10। देयरफॉर गेनिंग रेशियो 1:4। अच्छा, गुडविल का वैल्यू 80,000 है। वैल्यू ऑफ गुडविल, गुडविल का वैल्यू 80,000 है। रिटायर हुआ है धर्म, तो धर्म शेयर इन गुडविल, धर्म का शेयर कितना होगा, तो 80,000 × 5/10 40,000। ये 40,000 अब्बास एंड विवेक में एडजस्ट होगा, अब्बास एंड विवेक में एडजस्ट कर दिया जाएगा 40,000, और उसी के लिए रेशियो आया है 1:4 दैट इज 8,000 और 32,000। तो गुडविल को एडजस्ट कर देंगे इन गेनिंग रेशियो 1:4, तो 40,000 था 8,000 और 32,000। ये हो गया आपका वर्किंग नंबर। सपोज ये गुडविल वाला हो गया 2 और रेशियो वाला हो गया 1। अब यहां पर जनरल रिजर्व वाला वर्किंग करते हैं। पास्ट प्रॉफिट्स, पास्ट प्रॉफिट्स में आपका जनरल रिजर्व था, जनरल रिजर्व था आपका 10,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका था 85,000। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, ये आपका 50,000 था, उसमें से 8,000 रख देना है तो 42। ओके, तो ये हो गया आपका 137। इसमें आपको निकालते हैं धर्म शेयर, क्योंकि बोला है कि इसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करके डिस्टर्ब नहीं करना है, तो 137 धर्म का शेयर 5/10, तो ये हो जाएगा आपका 68,500। ठीक है, 68,500। अब इसको भी एडजस्ट कर देंगे, अब्बास अबिबेक 2 धर्म, तो धर्म को देंगे 68,500 और अब्बास विवेक को 1:4 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 13,754,800। ये दो वर्किंग आपको खास इंपॉर्टेंट है। पहला देखिए, आप गुडविल का दाम दिया था 80,000, न्यू रेशियो 2:1, गेनिंग रेशियो में 2:3, गेनिंग रेशियो में एडजस्ट कर दिया। यहां देखिए, जनरल रिजर्व, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, वर्कमैन कंपेंसेशन को बुक वैल्यू पे मेंटेन करना है। जनरल रिजर्व 10 है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 85,000, यहां से 42 क्लियर मिला है। ठीक है, 8,000 का लाइबिलिटी बोला हुआ था, 42 क्लियर मिला है, तो 137 इसको मेंटेन करना है, तो उसके लिए भी नेट एंट्री का कॉन्सेप्ट लाए। 137 रिजर्व है, प्रॉफिट है, उसमें धर्म का शेयर निकाले 68,500, गेनिंग रेशियो में एडजस्ट कर दिए। ये दोनों एंट्री कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग किया जाएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने रिवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हम इस बार कैपिटल में बैलेंस देते हैं। बाई बैलेंस बीडी, पहला पार्टनर का कैपिटल है 40,000, दूसरा है आपका 62,000 एंड लास्ट वन इज 33,000। अच्छा, गुडविल का एंट्री लाए थे
बाई अब्बास कैपिटल, बाई विवेक कैपिटल, उसका अमाउंट लाए थे हम 8,000 और 32। धर्म को दिया जाएगा तो धर्म कॉलम में, और टू धर्म कैपिटल अब्बास में 8,000, विवेक में 32। अच्छा, रिजर्व का एंट्री यही एंट्री है, गुडविल का लाए थे। अच्छा, रिजर्व का एंट्री भी वही लाए थे 13,700। अब 54,800 होगा, 54,800 वही एंट्री बाई अब्बास कैपिटल 13,700, बाई विवेक कैपिटल 54,800, टू धर्म कैपिटल 13,700, 54,800। गुडविल का एंट्री और रिजर्व का एंट्री करा दिए, कैपिटल में ले लिए। आप देख सकते हो ए नंबर, ई और एफ कर दिए। फिक्स्ड एसेट का दाम कम करना है 2,500, प्रोविजन लाना है बढ़ाना है 5,000। फिक्स्ड एसेट का काम करना है रिवैल्यूएशन में, टू फिक्स्ड एसेट्स 2,500, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, 5% प्रोविजन क्रिएट करना है। 1,00,000 का डेटर था 5,000। क्रेडिटर हमारा 8,000 में सेटल्ड हुआ, क्रेडिटर कम हुआ है बाई क्रेडिटर 2,000। बस रिवैल्यूएशन के लायक यही तीन आइटम है। लॉस हो रहा है बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, धर्म अब्बास विवेक, रिवैल्यूएशन का डेबिट का टोटल हुआ 7,500, 7,500, 5,500 का लॉस होगा, 2,750, 16,50, 1,100। ठीक है, इसको कैपिटल में ले आते हैं, टू रिवैल्यूएशन 2,750, 16,50, 1,100। तो आप एक बार क्वेश्चन को देखिए, गुडविल का काम हो गया, ये रिवैल्यूएशन हो गया, क्रेडिटर को 8,000 दे देंगे, 2,000 रिवैल्यूएशन में ले लिए, वर्कमैन कंपेंसेशन सारा रिजर्व हो गया। अब एक काम करते हैं, धर्म को पैसा दे देते और कैपिटल एडजस्ट करते हैं। ये आपका धर्म अकाउंट है, यहां धर्म को पेमेंट करना है। धर्म का क्रेडिट में देखिए आप 40,000 है, 8,000, 32,000, ओके 13,700, 54,800, 148,500 है, 148,500, 148,500, टू बैंक अकाउंट पेड 2,750 माइनस हो जाएगा, तो 145,750 का पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसका अगर क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करें तो ये 62,000 इधर है, और यहां से माइनस होगा 8,000, 13,700, और माइनस होगा आपका 16,50। ठीक है, तो इसका आपका क्लोजिंग कैपिटल आएगा 38,650, और इसका अगर कैलकुलेट करते हैं तो 33,000 माइनस होगा 32,000 माइनस होगा 54,800 माइनस होगा 1,100, ये निगेटिव हो जाएगा 54,900। क्लियर,
तो हम इसको तो पेमेंट कर दिए, अब हमको ये पता लगाना होगा कि क्या बैंक में 15,000 मेंटेन करने के लिए अब्बास और विवेक को कितना पैसा लाना है। ओके, ये वर्किंग करते हैं एडजस्टमेंट फॉर कैपिटल। आपका अब्बास क्लोजिंग कैपिटल, अब्बास का क्लोजिंग कैपिटल था 38,650। इसके अलावा विवेक क्लोजिंग कैपिटल ये निगेटिव था 54,900। कैश ब्रॉड बाई दिम, तो हम लोग धर्म को पेमेंट किए हैं 145,750। क्रेडिटर को पेड किए हैं 8,000। बैंक में क्लोजिंग बैलेंस रखना है 15,000। बैंक में ओपनिंग बैलेंस था 40,000। तो 145,750 का पेमेंट किए हैं, 8,000 क्रेडिटर को दिए हैं, 15,000 बैंक में बचाना है, 40,000 हमारे पास था, 128,750। 128,750 माइनस 54,900। ओके, अच्छा एक मिस्टेक हो रहा है, यहां देखिए एक गुडविल था 50,000 का, ये पास्ट लॉसेस होता है, इसको राइट ऑफ करना चाहिए था। तो यहां पर ये गुडविल यहां राइट ऑफ होना चाहिए था, दैट इज टू गुडविल, ये गुडविल यहां राइट ऑफ होना चाहिए था ओल्ड रेशियो में, तो ओल्ड रेशियो के हिसाब से इसको 25,000, ये 15,000 और ये 10,000, तो इसका इफेक्ट हुआ, इसको 25,000 राइट ऑफ करेंगे तो इसका पेमेंट 20,000 हो जाएगा। ओके, इसका पेमेंट 120 आ जाएगा, तो रिटायरिंग पार्टनर का पेमेंट गुडविल वाला रिटेन ऑफ करने के बाद 120 आ गया। तो यहां पे जो लिखा हुआ था 145, ये हो जाएगा 120। तो 120,750 प्लस 8,000 क्रेडिटर का, 15,000 क्लोजिंग, 40,000 का सपोर्ट है, 103। 103, अच्छा यहां से भी 15,000 कम गया, 23, और ये 10,000 बढ़ गया, 64। तो ये प्लस करते हैं 23,650 और उसको माइनस करते हैं 64,900, तो कैपिटल हो जाएगा 62,500। ठीक है, तो कहाँ चेंज हुआ एक बार फिर से समझिए, गुडविल रिटेन ऑफ था, गुडविल रिटेन ऑफ कर दिए, रिटायरिंग पार्टनर का पेमेंट आया 120,750, और इनका जब क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे 62,000 से ये माइनस करेंगे, 30,000 से ये माइनस करेंगे, तो इसमें अब्बास का क्लोजिंग कैपिटल चेंज कर दिए 23,650, इसका 64,900 निगेटिव, और ये चेंज किए 103, 62,500 आया। तो अब्बास का न्यू कैपिटल और विवेक का न्यू कैपिटल 62,500 इसका आया 25,000, 37,500। ओके, तो ये कैपिटल में टू बैलेंस सीडी इसका 25
37,500। ये लोग बाई बैंक अकाउंट ब्रॉट इन, पैसा लाएगा, तो इसको लाना है 1350। इसको लाना है 102,400। तब टोटल बराबर कर देते हैं, ये हो गया आपका डेबिट में 8,000, 13,700, 16,50, 15,000 और 25,000, 63,350, 63,350। तो ये आया था, इसका हो गया 32,054,800। इसका टोटल 135,400, 135,400 और ऊपर था 33,000, 102,400। ठीक है, तो ये हो गया कैपिटल। अब आते हैं बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट में पार्टनर्स कैपिटल में अब्बास अबिबेक, अब्बास का तो 25,000 था, इसका 37,500, दैट इज 62,500। ठीक है, बैलेंस शीट नॉर्मल होगा। अच्छा, जनरल लेजर वर्कमैन पीएल तीनों लिखना है क्योंकि इनको डिस्टर्ब नहीं किए थे। तो जनरल रिजर्व वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व का 10,000, वर्कमैन 42,000 जो फ्री बचा था, सॉरी 50,000 क्योंकि उसको तो डिस्टर्ब नहीं किए हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका 85,000, क्रेडिटर 10,000 कम होगा 40,000, क्रेडिटर 10,000 कम होगा 40,000, गुडविल राइट ऑफ हो चुका है, यही छूटा हुआ था राइट ऑफ कर दिए हैं, फिक्स्ड एसेट का दाम कम हुआ था 57,500, स्टॉक का कोई एंट्री नहीं किए थे, स्टॉक आपका जैसे है वैसे 80,000, डेटर से प्रोविजन माइनस होगा, डेटर आपका 1,00,000 था, प्रोविजन 5,000 किए थे 95,000। अच्छा, बैंक में हम बचाए थे आपका 15,000, ठीक है, बस ऐड करके चेक करते हैं, बोथ साइड टोटल मैच करना चाहिए। ओके, टोटल मैच कर रहा है 247,500। ओके, तो ये जो सम था इसमें वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट था, सबसे पहले ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो, इससे हमने गेनिंग रेशियो निकाल दिया, गुडविल 80,000 था, रिटायरिंग पार्टनर का एडजस्टमेंट, जनरल लेजर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व को बैलेंस शीट में मेंटेन करना, ऐड कर लिए, उसमें रिटायरिंग पार्टनर का शेयर गेनिंग रेशियो में एडजस्ट कर लिए, कैपिटल एडजस्टमेंट था, इनका क्लोजिंग कैपिटल लिए, इसमें ध्यान दीजिएगा ये निगेटिव हो गया था, ये 23,650 कैश ब्रॉट इन, ये पेमेंट हुआ है 2 ठो, ओके, ये बैंक में बचाना है ये था, तो इतना पैसा लाना होगा, कैपिटल होगा 62,500, न्यू रेशियो में बांट दिए, ये कैपिटल 2 बैलेंस सीडी कैपिटल अकाउंट में लाया गया, बाई बैंक आंसर आ गया। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये सॉल्यूशन आपको जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।